कमेंट सेक्शन के और भी जो क्वेश्चन है, शायद खान मेरे लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी कराई, 3 मंथ्स हुए, मेरे एग्स बहुत छोटे बनते हैं और बनते भी 18 मिलीमीटर से 28 मिलीमीटर, लेकिन वो ओवुलेशन नहीं हो रहा, मेरी एंडोमेट्रियम थिन बन रही है, क्या करूं? आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और ये जो आप 18 से 28 मिलीमीटर का एंडो ओवुलेशन के समय जो साइज बता रहे हैं दैट इज ओके एंड आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिन थिंग, और आपका यदि एंडोमेट्रियम थिन है तो उसको देखना चाहिए हिस्टोस्कोपी करके। मोना सैनी TSH 111.35, प्लीज रिड्यूस इट बाई ए गुड ट्रीटमेंट। ऋषिकेश, मेरे पत्नी का यूट्रस PCR टेस्ट के बाद TB के बैक्टीरिया पाया गया, 8 महीने TB दवा चल चुके, 1 महीना और चलेगा, हम इस 8 महीने में प्रेगनेंसी के लगातार ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंजीव नहीं, मुझे आपसे मिलना, क्या मैं TB का दवा पूरा कोर्स खा के मिलूँ? आपको डेफिनेटली TB का पूरा कोर्स खा के ही मिलना चाहिए, और TB की दवा यदि आपने एक बार स्टार्ट करी, ये मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, तो कम से कम जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ें, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जुबेर खान, मेरा AMH 1.05 पीरियड रेगुलर है, क्या हम सेल्फ एक्स से IVF करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। दीपा तिवारी, हेलो सर, मुझे PCOD है, मेरे पीरियड नॉर्मल है 21 डेज में और मैं 1 साल से नेचुरली ट्राई कर रही हूँ प्रेगनेंसी के लिए बट कंसीव नहीं हो पा रहा, ओवुलेशन स्टडी भी एक रप्चर नहीं होता। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और ये PCOD बोल के जिसमें कि पीरियड रेगुलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब उसको अल्ट्रासाउंड कराते हो तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसी दिखती है बट वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अधिकतर नहीं होती, अदरवाइज पीरियड रेगुलर नहीं होता, आपको दूसरे रीजन है उसको देखना चाहिए जैसे ट्यूब्स एंड हस्बैंड की जाँच। प्रियंका दाहे, हेलो सर, मेरी राइट ट्यूब ब्लॉक है, लेफ्ट ओपन है और हेल्दी, मैं AMH 3.96 है, तो क्या मैं नॉर्मली कंसीव कर सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा हार्मोन इम्बैलेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पीरियड रेगुलर हो तो अधिकतर थायराइड को छोड़ के हार्मोनल इम्बैलेंस होना बड़ा अनकॉमन है, और आपका यदि ट्यूब राइट ब्लॉक है राइट साइड का तो ऐसा नहीं है कि यदि लेफ्ट साइड के ट्यूब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेफ्ट साइड की ट्यूब यदि ओपन है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो लेप्रोस्कोपी एक बार करा के देख सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत दिन वेट मत करिए, IVF करवा लीजिए। नीलम, मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ कि नहीं? मेरा पीरियड भी कभी कभी हर मंथ आता है, कभी कभी 2 मंथ अपने एक से, डेफिनेटली आप अपने एक से प्रेग्नेंट हो सकते हो। नितेश कुमार, प्लीज, मेरी फर्स्ट IVF प्रेगनेंसी थी और इचिंग बहुत ज़्यादा था, LFT लेवल भी बहुत ज़्यादा था, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गया 37 वीक्स पर, सर ऐसा क्यों हुआ, प्लीज टेल मी। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब आपका प्रेगनेंसी के दौरान लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल होता है, उसको कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, और इसमें कई बार यदि आप उसका ट्रीटमेंट ना लें तो कई बार प्रीटर्म डिलीवरी और इवन इंट्रायूटराइन फीटल डेथ, बच्चे की गर्भ में ही मौत होने का संभावना ज़्यादा रहता है, और यदि इचिंग आपको होती है तो आपको ये इचिंग हर प्रेगनेंसी में, इवन आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेंगे तो भी ये इचिंग होगी, इसमें जो आपका बाइल है वो कलेक्ट होने लगता है, वो एक प्रॉब्लम रहती है जिसमें हमको फिर उस कोलेस्टेसिस को कम करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। आप जब भी प्रेग्नेंट हो तो शुरुआत से ही अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। गुलजार हुसैन, नाइस, थैंक यू गुलजार जी, थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग।